पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को मिला मेडल। देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने जताई खुशी, कहा मेरा ये मेडल देश को समर्पित, मेरे दिमाग में चल रहे थे भगवद गीता के संदेश। पीएम मोदी ने मनु भाकर को देश के लिए पहला मेडल जीतने पर बधाई दी, सारे खिलाड़ियों को पीएम ने शुभकामनाएं दी। देश के लिए पहला मेडल जीतने पर देशभर में खुशी की लहर, मनु भाकर के गांव हरियाणा में जश्न का माहौल। टेबल टेनिस खिलाड़ी मयंका बत्रा ने ओलंपिक में किया विजय आगाज, राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह। वुमेन्स सिंगल्स में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की दमदार शुरुआत, मालदीव की पातिमा नबाहा को 21-9, 21-6 से मात दी। पीवी सिंधु का अगला मैच 31 जुलाई को होगा, एस्टोनिया की क्रिस्टियन कुबा को सामना करेंगे। रोहित पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे बलराज पवार, 30 जुलाई को मुकाबला। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक खत्म, मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम, पेरिस ओलंपिक में शामिल एथलीटों का देशवासी बढ़ाएं उत्साह। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की, कहा खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार। पीएम बोले, भारत को ड्रग्स फ्री देश बनाना है, ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, केंद्रीय बजट में नॉन बीजेपी स्टेट के साथ धोखा हुआ है, पीएम की जनता को इसे बचाने की। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता को बोलने नहीं दिया गया, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कल आक्रामक तरीके से सीएम ममता नीति आयोग की बैठक से निकली थी, ये व्यवहार गलत था। बजट पर बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का बजट में युवा और एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया गया है। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का मामला, राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। राव कोचिंग हादसे में बड़ा खुलासा, बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी लेकिन लाइब्रेरी बना रखी थी। हादसे के बाद छात्रों में भारी आक्रोश, ओल्ड राजेंद्र नगर करोलबाग समेत कई इलाकों में दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी।